राम जन्मभूमि अयोध्या में बना भव्य मंदिर देश दुनिया में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इसको लेकर राम नगरी में तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। बता दें, इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य आयोजक होंगे। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी के साथ विपक्ष के कई नेताओं को इस कार्यक्रम के लिए न्योता दिया गया है। इंडिया गठबंधन में शामिल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML ने कांग्रेस नेताओं को मिले न्योते पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुस्लिम लीग के महासचिव PMA सलाम ने कहा कि कांग्रेस के पास इस बारे में सोचने और इस पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि IUML का कड़ा रुख है कि धर्मनिरपेक्ष दलों को BJP के इस या किसी भी एजेंडे में नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों पर इंडिया गठबंधन का रुख स्पष्ट होगा और वे इस बारे में बैठकर चर्चा करेंगे। हम सभी सहयोगी हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा, हम कांग्रेस के साथ मंदिर या मस्जिद निर्माण के लिए सहयोग नहीं कर रहे हैं, यह राजनीति पर आधारित है। मुस्लिम लीग के नेता ने कहा, यह जग जाहिर है कि चुनाव से पहले सांप्रदायिक दंगे कराते थे, अब भी उनका रुख सांप्रदायिक भावनाओं का दोहन करने का है। हमारा स्पष्ट रुख है कि धर्मनिरपेक्ष दलों को BJP के किसी भी एजेंडे में नहीं आना चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दें, IUML केरल में कांग्रेस की प्रमुख सहयोगी पार्टी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन किन नेताओं को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता मिला है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को न्योता मिला है। अब तक कांग्रेस की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है कि पार्टी के नेता अयोध्या में होने वाले समारोह में शामिल होंगे या नहीं। इसके अलावा बिहार के CM नीतीश कुमार और पूर्व CM लालू यादव को भी बुलाया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी निमंत्रण मिला है। ट्रस्ट की ओर से लेफ्ट पार्टी के नेताओं को बुलाया गया है। इसको लेकर CPIM महासचिव सीताराम येचुरी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। वहीं आपको बता दें, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है। वहीं सपा नेता डिंपल यादव ने इस बीच कहा कि अगर उन्हें न्योता मिलेगा तो वो अयोध्या जरूर जाएंगे, अगर न्योता नहीं मिलेगा तो वो भगवान के दर्शन करने के लिए बाद में जाएंगे। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय UP उत्तराखंड।